ना मालूम पिताजी ने हमें किस लिए याद किया है। कोई बात नहीं, मैं पिताजी से पूछूं, आखिर बात क्या है, कोई मुझसे गलती हो गई क्या। नमस्ते पिताजी। कहिए पिताजी, आपने हमें किस लिए याद किया। बेटी रमा, आज तुम्हें बुलाने का कुछ खास कारण है बेटी। ऐसा कौन सा कारण है पिताजी। बेटी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बात क्या है। खुशी की बात है बेटी, क्योंकि तुम तो जानती हो तुम्हारे सिवा कौन है मेरा इस दुनिया में। हाँ ये तो है पिताजी। बचपन में तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी, आज वो हम अभी मेरे सीने में, सोचता हूं बेटी। आखिर बात क्या है। बेटी जब जवान हो जाती है तो राजा हो या रंक हो, हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि जितनी जल्दी हो सके उसके हाथ पीले कर दे। इसलिए बेटी। यानी आपको मेरी शादी की चिंता है। हाँ बेटी। तो पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया हूं कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। शादी तय कर दी। हाँ बेटी। आपने मेरी शादी तय कर दिया। हाँ क्यों। क्या पिताजी मैं उस व्यक्ति का नाम जान सकती हूँ। हाँ बेटी, बहुत होनहार लड़का है, शायद तुम्हें जानकर खुशी होगी। आखिर वो तुम्हारे ही राज दरबार का महामंत्री बहादुर राणा सिंह है। क्या बात है बेटी। शादी का नाम सुनते ही तुम्हारा महाराज जी, आप महामंत्री बलवंत सिंह लड़की अपनी शादी तय कर दिया, मगर लड़की पता नहीं क्या सोचा और दरबार से निकल गई। नहीं समझोगे नहीं समझोगे राज दरबारी जी, मैं समझता हूं। मेरी बेटी है ना, शादी के लिए राजी है, इसीलिए उसका सर शर्म से नीचे झुक गया है। खैर कोई बात नहीं, तुम यहां का ख्याल रखना, समझे जी सरकार। हाँ आप चिंता नहीं करें, दरबार में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं सरकार, सोच लेना। अरे सरकार आपके रहते हुए यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं होंगी। हाँ चलता हूं। क्या बात, हमारे पिताजी ने मुझसे बगैर पूछे मेरी शादी तय कर दिया, वो भी राणा के साथ। मैं रमन को क्या जवाब दूंगी। उसके साथ हमने जो वचन लिया है कि जिएंगे तो साथ मरेंगे साथ, अब मैं चलती हूँ, ये बात अपने रमन को बताती हूँ, वही कुछ ना कुछ हल निकालेगा इसका। मैं चलती हूं। क्या बताऊं, रमा ने मुझसे इसी पनघट पर मिलने का वादा किया था और अभी तक मिलने नहीं आई। रमा तुम कहां हो। रमा Ha 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 ha
रामा क्या हुआ, आखिर तुम इतना रो क्यों रही हो? रमन, और तुम्हारी आंख से से ये बहती क्यों जल की धारा है तुम्हारी आंख से? तुम्हारी आंख से बहती जल की धारा है, तुम्हारी देख दशा, तुम्हारी देख दशा, ये दिल बिकल हमारा सुनाओ तुम। मेरे महबूब अपने गम का माजरा सुनाओ तुम, और तुम्हें देख कर ये दिल बिकल हमारा है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपने आंखों से आंसू बहा रही हो और मुझे बता नहीं रही हो? मुझे बात बताओ। रमन, बहुत गजब हो गया है। क्या गजब हो गया? ऐसा लगता है अपना साथ बस यहीं तक। नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आज के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों रमन? देखो, धैर्य से काम लो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। रमन, हमारे पिताजी ने हमारी शादी तय कर दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम प्यार मुझसे करती हो और शादी किसी और से हो जाए, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। रमा, तुमसे जुदा होकर मैं मर जाऊंगा। हाँ रमन, मैं सत्य कह रही हूं। वो भी किसके साथ? किसके साथ? उस हरामजादे राणा के साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं भागती हुई तुम्हारे पास आई हूँ। रमन, मुझे कहीं छिपा लो, मुझे कहीं छिपा लो। रमा, तुम परेशान मत हो, मेरे पास आओ। देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ रहेंगे और साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ठीक है? तुम परेशान मत हो, मेरे साथ में चलो। और चलकर हम आगे चलते हैं, जो आगे वाला पनघट है उस पनघट पर हम बैठकर दोनों बातें करेंगे, उसके बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। चलो रमन, ऐसे ही मुझसे प्यार करोगे ना? मैं ऐसे ही तुमसे प्यार करता रहूंगा, कभी जीवन में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और कभी गम न देना। नहीं दूंगा। कि कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की।
मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। रामा देखो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे साथ हूं तब तक तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे कभी हम पे दामल खुला तो न। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया तुम्हारे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी दे। अब रमन तेरा साथ नहीं दे। इसे हथकड़ी लेकर आओ, हथकड़ी लेकर आओ। आरिश अब देखो मंत्री की चाल अब कैसन इसको अपनाता है। आज रमन तुझसे मैं गिन गिन कर बदले लूंगा। साली कैद करो से कैद करो। अब देख तड़प तड़प कर तू मरेगा रमन, और ये रमा हमारी दुल्हनिया बनेगी। रामजादे तुमने मेरे प्यार को गोली मारी है, तुम्हारा पाप का गला भर चुका है ठाकुर, अभी भी सुधर जाओ, मौका है। चाप साली नहीं तो ठोक दूंगा, ले चलो साली को लगलदर पसीटे हुए ले चलो। और अब महाराज के पास हमें चलना चाहिए, अगली सीन इस ब्रेक के बाद। या मेरे भगवान, इस कमीने ने मेरे हाथ में गोली मारी है। हरामजादे मंत्री, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रमा मेरी रमा कहाँ है? रमा 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 हरामजादा मंत्री मेरी रमा को उठा कर ले गया है, मैं इस मंत्री को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे कुत्ते, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तूने मेरी खुशियां छीनी है, तूने मेरे बाजू में गोली मारी है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हरामजादे एक बार सिर्फ मेरे हाथ लग जा, मैं तुझे साले कुत्ते की मौत मारूंगा। अगर जो मैंने कुत्ते की मौत ना मारा तो मेरा भी नाम
रमन सिंह नहीं है कुत्ते, मैं आ रहा हूं। महाबली कहिए महाराज जी। रमा किस हाल में है, किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है रमा? नहीं सरकार, आपके रहते हुए किसी बात की कोई परेशानी नहीं। अच्छी बात है। ये क्या देख रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म है? शर्म से भी ख्याल नहीं रखा तुमने? अरे किसके हाथों में हथकड़ी डालकर मेरे सामने पेश किया है? महाराज इसने जुर्म किया है और जुर्म करने वाले को हथकड़ी नहीं लगेगी तो क्या लगेगी राजन? जुर्म? हाँ, इसने आज तुम्हारी तो नाक कटवा दिया है। बदनामी का टीका महाराज तुम्हारे सर पे लगा दिया है। इसने जंगल में एक लड़की के साथ वो घिनौना काम कर रही थी कि देखकर मैं बहुत लज्जित हो गया और जब गुस्से में मुझसे नहीं रहा गया तो सम्राट इसके हाथों में हथकड़ी डालकर आपके पास लाया। शाबाश, सामने आओ। क्यों रमा बिटिया, क्या ये सच है बेटी? पूछ लो। साफ साफ बयां करो मुझसे, क्या ये सच है जो महामंत्री राणा सिंह कह रहे हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बताओ, जो लड़के के साथ लिपट कर आई लव यू कर रही थी, जरा महाराज को भी तो बता। नहीं सुना मेरी बात को? क्या ये सच है? बोल बेटी बोल, नहीं सुना मेरी बात को? सोच लेना, अगर मेरे मान और सम्मान के खिलाफ तुमने कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद नहीं हो। दुख तो इस बात का है मुझे जो 18 वर्ष पहले तेरी मां छोड़कर इस दुनिया को चली गई। अरे क्या कमी रह गई मेरे प्यार में, जो सरेआम तूने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया। महाराज उड़ा इसको। अगर आज ये हमारी बेटी होती और अगर इस प्रजा में, अपने शिवगढ़ में अगर प्रजा को मालूम होगा कि राजकुमारी ने एक लड़के के साथ इतना घिनौना काम किया है तो बताओ राजन, आपको तो मुंह काला करना पड़ेगा। और ये इसके जबान नहीं खुल रही है कि सच्चाई क्या है, जरा इसके मुख से पूछिए। मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हें देना होगा। मैंने कहा ना, क्या ये सच है जो मंत्री राणा सिंह कह रहे हैं? बोलती क्यों नहीं? हरा हूं बदन की खाल को निकाल दूंगा, सोच लेना। अगर क्रोध आएगा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या ये सच है?
जी पिताजी, ये सत्य है, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसका नाम रमन है। तूने मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये दिन देखने को मुझे मिलेंगे। अरे बोल, क्या कमी कर दिया था मैंने तेरे प्यार में? लेकिन पिताजी, क्या कमी कर दिया था? सम्राट, सम्राट, ऐसे गलत करने वालों पर हाथ उठाओगे, गंदे काम करने वालों पर हाथ उठाने से आपके हाथों में गंदगी हो जाएगी। बंदूक लाओ, मेरी मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, बंदूक मेरे हाथ में, मैं तमाम मंत्रीवर। महाराज, आप नहीं समझूंगा कि औलाद मेरी इस दुनिया में नहीं है। महाराज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी और हमारे प्यार का सवाल है। मैं अभी भी अपनाना चाहता हूँ, इसलिए इसको माफ कर दीजिए और जल्दी से जल्दी हमारी शादी रचवा दीजिए। राजन, कुछ नहीं होगा, जब हमारी पत्नी हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा। इसी बात की तो मैं तुम्हारी दाद देता हूं। क्यों नहीं सम्राट, तुम ठीक कहते हो। ए, ले जाओ इसको और बंद कर दो कमरे में। याद रहे, अगर आइंदा ऐसी गुफ्तगु करने की या गलती करने की इसने जरूरत की तो शायद तुम्हारे जिस्म के एक एक खाल को निकाल कर बाहर रख दूंगा। याद रख लेना मेरी बात को। और सुन ले, जब तक मंत्री राणा से तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तुम्हें घर से बाहर कदम को डगमगाना नहीं है। सुना मेरी बात को? ले जा इसको और बंद कर दो कमरे में। दूर हो जो नजरों के सामने से। महाराज, महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। अब मैं, मुझे क्या करना होगा? मंत्री राणा। कहिए सम्राट। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं तुमसे। मुझसे कौन सी बात जानना चाहते? जिस लड़के से ये प्यार करती है, शायद तुम उसे जानते होगे। यानी कि आपकी इज्जत पे हाथ डालने वाला वो छोकरा हम जरूर बताएगा। कौन है वो मक्कार जिसने मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम किया है? सजा मिलेगी उसे। राजन, आपके आपके ही इस राज्य में आपके इस राज का नौकर है जिसका नाम सेनापत राम सिंह है, उसका बेटा रमन है। क्या? हा, सेनापति राम सिंह का बेटा है रमन। उसने आपकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश किया है। ऐसे ऐसे हराम खोर को जीने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन फैसला तो राजन आपके हाथ है। जाओ, सेनापति को मेरे पास भेज दो। अवश्य राजन, पधारिए। आप विराजमान होइए। रामबली, रामबली। जी राजन। गेट पर रहते हो तो कान दरबार की तरफ रखना। जी राजन। वरना साले ऐसी गोली मारूंगा कि गोली तो तहार सीने पे लगेगी, लेकिन धुआं तो हार पछवारे निकलेगा, समझे? क्योंकि हम मंत्री जरा दूजे किस्म का है चूना लगा के। जाओ जी। और हाँ, सेनापत को फोन करके तत्काल बुलाया जाए। अवश्य।
महामंत्री, एक बात तुमसे मैं कहना चाहता हूं। क्या बात है? बस मेरा दिल करता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारी शादी कर दूं। लेकिन अगर आप एक बात अपने इस वफादार नौकर की मानोगे राजन, तो बहुत मजा आएगा। और आज तक जिसने इस शिवगढ़ में अगर बुरे काम किया उसे सजा सेनापत बोलते थे, किसे ऐसी सजा होनी चाहिए। और मेरे मंत्री जी आरज़ू है हमारी, मेरे साथ बैठ। तो बनो आज राजा, ये ख्वाहिश हमारी, ये मैं दिल से कहता हूं कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, ये ताज पोशी तुम्हारे सर पिलाऊंगा। बनो आज राजा, ये ख्वाहिश हमारी, और ये शादी उसी से तुम्हारी रचाऊं। तो नहीं महाराज जी, अब ये देरी लगाओ। देर करने की कोई जरूरत नहीं है सम्राट, इसलिए कि लाश को घर पे ज्यादा देर तक रखने से बदबू देने लगती है, और अगर लड़की जवान हो जाए और बुरे कदम रखने लगे तो उसे जल्दी से जल्द शादी कर देना चाहिए, वरना बदनामी का टीका सर पे लगता जाता है। जाओ सेनापति को मेरे पास भेजो। अवश्य, अब विराजमान लगाओ फोन। और महाराज, महाराज लेकिन सजा उसे आप नहीं बल्कि सेनापत के हाथों से उसके बेटे को सजा दिलाए, इसलिए कि मैंने पहले बताया कि गंदगी में हाथ, जुनून में आकर आप अपने हाथों से अगर इन कमीनों पर हाथ उठाओगे राजन, तो गंदगी आपके हाथों में आ जाएगी और प्रजा में आपकी बदनामी होगी, बदनामी का टीका लगेगा। लगाई राजन फोन, लगाई मोबाइल, लगाई आप मंत्री दूजे किस्म के हो। मोबाइल साले मुंह पे कुंदा मारूंगा। मोबाइल 91-98-89-89-39। हेलो 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 हेलो, कौन आप, कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति राम सिंह बोल रहा हूँ। आप सेनापति राम सिंह, आपको राज दरबार में महाराज बलवंत सिंह ने याद किया। तुम कौन बोल रहे हो? हम उनके दरबारी बोल रहे हैं, राज दरबार के नौकर। क्या महाराज जी ने हमको याद किया है? याद किया, हम तत्काल राज दरबार पहुंच। अवश्य अवश्य,
महाराज जी आ रहे। क्या बात हुई रामबली? हमने बता दिया आपको, महाराज बलवंत सिंह ने याद कर रहे हैं, रात दरबार जल्दी से जल्द आओ। तो फिर बहुत जल्द हेलीकॉप्टर से आएगा। हम बहुत बढ़िया आदमी।